ये क्लियर हो गया है, 5 साल की सजा यानी कि सलमान कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। कितनी सर सजा हुई है? 5 साल की सजा। क्या रिएक्शन था जैसे उनको ये कन्विक्ट कर दिया? ये कन्विक्शन किया गया, अभी वो रिएक्शन कोर्ट के अंदर है। निश्चित तौर पे उनको साथ में ये भी कहा गया है, इसका वारंट तैयार हो गया और उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उनको सबको जाना वापस। जेल जाना होगा, 5 साल की सजा सलमान खान को सुनाई जा चुकी है। आपको बता दें इस कंडीशन में सलमान खान को 9/51 में दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है तथा क्योंकि 5 वर्ष की सजा हुई है उसका गिरफ्तारी वारंट बन चुका है और उसे सेंट्रल जेल भेजा जाएगा, जोधपुर सेंट्रल जेल। निश्चित तौर पे एक जोधपुर सेंट्रल जेल जाके जाएगा। जिस तरह से कोई भी अपराधी किसी को सजा से दंडित किया जाता है उस सजा का भुगतने के लिए जो सेंट्रल जेल होती है वही चाह रहे थे वैसे ही हुआ है। निश्चित तौर पे ये नहीं चाह रहे थे, हमने जो कानूनन रूप से जो सही था वो न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, उनमें विश्वास था हमें और उसके तहत ही ये जो निर्णय दिया गया है उनका पूर्ण रूप से हम आदर करते हैं और ये निश्चित तौर मान रहे थे। हमें इस तरह की पूर्ण उम्मीद थी कि इस तरह से फैसला आएगा। 5 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। हमारे साथ इस वक्त महिपाल बिश्नोई है जो कि इस पूरे मामले में, तो महिपाल बिश्नोई को अभी आप सुन रहे थे, सरकारी वकील जिन्होंने साफ तौर पे बताया किस तरीके से सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया, यानी कुल मिलाकर के सलमान को जेल जाना होगा। सलमान खान को जमानत कोर्ट से नहीं मिलेगी क्योंकि 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अब सीधे यहां से सलमान खान को सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। सलमान खान को जेल अब जाना पड़ेगा क्योंकि 3 साल से ज्यादा की सजा हुई है, सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है और ऐसे में अब उनको कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। इस केस में अब उनको अपर कोर्ट में जाना पड़ेगा आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए, यानी कि फिलहाल इस वक्त बताएं बड़ा झटका है सलमान खान के लिए। अगर उन्होंने भी शायद उम्मीद लगाई थी कि कोर्ट से ही उनको आज जमानत मिल जाएगी क्योंकि जिस तरह की खबरें मिल रही थी कि 2 जमानती भी है, सलमान खान आज ही जा सकते हैं मुंबई, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो भी उम्मीदें थी वो ना उम्मीदों में बदल चुकी है क्योंकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जेल जाना होगा सलमान खान को, 5 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माने का ऐलान किया गया है।